कैमरा एक्शन स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है अफसाना कुकिंग एंड ब्लॉग्स में। आप सोच रहे होंगे आज अफसाना इतना स्लो स्लो इसलिए बोल रही हूँ, रात के बज रहे हैं 2, सारे काम वगैरह सब निपटा दी हूँ। अभी हद तक हस्बैंड घर पे नहीं आए काम पे से, तो फिर मैं सोची लाओ मैं अपने जो भी काम है थोड़ा कल बिजी रहूँगी तो मेरे पास टाइम नहीं रहेगा। तो मुझे करना है रेसिपी शूट और भी ड्राई फ्रूट की, और जो कि अभी फिर से प्लेन, ये प्लेन मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला सच में। तो रात के 2 बजे भी प्लेन जा ही रही है, तो मैंने सब रेडी कर ली, बस फटाफट चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताना चाह रही थी, सबसे पहले यहाँ पे हम अपना ड्राई फ्रूट ले लेंगे, जैसे कि काजू, बादाम और पिस्ता। तो आप अपने मनपसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हो। और फिर मैंने यहाँ पे गैस चालू कर दी, गैस चालू करके उसको रोस्ट कर लेंगे बिना कोई घी वगैरह डालने, क्योंकि इसको हमको चॉप करना है। यहाँ पे हमारा अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुका, अब हम इसमें निकाल लेंगे। और ये जो खजूर के बीचे हैं, या तो आप इसको अच्छे तरीके से, जो नरम वाली ज़्यादा खजूर है वो यूज़ करने का वो बेस्ट रहता है। ये भी नरम था बट ये ज़्यादा नहीं था, और मुझे इससे ज़्यादा क्वांटिटी में बना के ड्राई फ्रूट बाहर देना है, जो कि आप आगे वीडियो में मेरे थंबनेल देख के समझ गए होंगे। और मैं बोली, वो वहाँ से मुझे फरमाइश आता कि कितना पैसा लगेगा, तो मैंने बोली थी कि मुझे 10,000 रुपया लगेगा, अब मस्ती में, और सच में 10,000 रुपया आ भी चुका था। यहाँ पे ड्राई होस्ट होने के बाद मैंने अच्छे तरीके से उसको निकाल ली, और हल्का ठंडा हो जाए तो फिर इसको चॉप कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे चॉप कर रही हूँ इसको, यहाँ पे मेरी मशीन चल नहीं रही थी, मेरे को लगा कुछ धोखा देगी, फिर यहाँ पे मशीन हमारी स्टार्ट हो गई। फिर उसको मैं 3-4 राउंड अच्छे से घुमा ली, और फिर इसमें थोड़ा मेरे को अखा अखा दिख रहा था, तो वापस मैंने थोड़ा सा एक बार और इसको मतलब कर ली, चॉप कर ली, और यहाँ पे इस तरीके से हो गया। बहुत इजी है, सर्दियों में खाओ इसको, दूध के साथ खाओगे बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट होगा। सर्दियों में मैं बना के रख लेती हूँ ये। फिर यहाँ पे घी डालेंगे, कोई भी घी आप डाल सकते हो, बस अच्छा घी होना चाहिए क्वालिटी का। और जो खजूर मैंने चॉप किया थी, ये मतलब मिक्सर में पीस की थी, इस चॉपर में नहीं कट रहा था, तो इसको मिक्सर में मैंने पीस ली। और मिक्सर में पीसने के बाद इसको अच्छी तरीके से ड्राई मतलब उसमें घी में थोड़ा अच्छे से भून लेने का। फिर जो हमारा जो ड्राई फ्रूट है जो रोस्ट करके कर रखे हुए वो भी डाल दें इसमें। आप जो खसखस वगैरह ये होता है डाल दें, मेरे इसमें सब मिक्स था तो मैंने अलग से कुछ नहीं डाली, तो ये मिक्स एक मिलता है, ये आप खरीद लाओ। और इसको, ये मेरा रोस्ट किया हुआ था, इसको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा सा मैं रख ली। मेरे को भी बनाना ब्राउन ब्रेड, तो उसके लिए मैं थोड़ा बचा ली थी, ब्राउन ब्रेड में लगेगा घर में, मैं ब्राउन ब्रेड बनाने वाली हूँ इसकी वजह से मैंने वो थोड़ा सा बचा लिया। फिर यहाँ पे अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे कि तब तक वहाँ पे वो ठंडा हो जाएगा। फिर ज़्यादा एकदम ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, एकदम ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा एकदम अच्छे तरीके से खजूर में ये मिल चुका था, अब यहाँ पे बाहर रख दूँ थोड़ा देर ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद में स्टार्ट करते। फिर यहाँ पे थोड़ा मैंने इलायची पाउडर डाल दी, इलायची पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालो, नहीं है तो नहीं डालो, इलायची का मतलब एक फ्लेवर आने के लिए बस यही है। और सच में रोज़ सुबह आप एक गिलास दूध के साथ ये खाओगे ना बहुत। तो देखो यहाँ मेरे लिए पैसा आ भी गया था, तो मेरे हस्बैंड उस टाइम पर आ भी चुके थे, क्योंकि मेरे को बच गए थे 2:30 बजे, तो हस्बैंड आ चुके थे यहाँ पे और मेरे को पैसा मिल भी चुका था, तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और फिर यहाँ पे मैं बनाई, घर के लिए मैं बनाई, अभी वहाँ के लिए बनाऊंगी तो ज़रूर उसका भी वीडियो बनाऊंगी, वो क्वांटिटी में थोड़ी ज़्यादा रहेगी, ये मैं घर के लिए ऐसे हम लोग बना रहे थे। मेरा बाहर जाएगा सऊदी में, मेरे बहुत सारे सऊदी में रेसिपीज गई है, अभी ड्राई फ्रूट की बारी रहेगी, ड्राई फ्रूट अभी तक नहीं गई है। और फिर यहाँ पे मैंने लड्डू बनाना स्टार्ट कर दी थी, यहाँ पे आयान को बोली थी थोड़ा शूट करने के लिए, आयान नहीं कर पा रहा था शूट सही से दिखा पाया, तो यहाँ पे लड्डू बन गई थी, ज़्यादा लड्डू नहीं बनी थी, बस इतने ही लड्डू बनी थी और हमारे घर में बनी। और हमारे बच्चे, हम पहले तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट की रील बनाते बनाते, एक रील बनाना था तो उसको मैंने स्टार्ट कर ली, फिर उसके बाद में आयान और मैं दोनों, आयान क्योंकि पकड़ा था रेसिपी तो शूट कर रहा था, तो इसकी वजह से आयान का। फिर यहाँ पे रीदा और रीदा के अब्बू, जब दोनों जन उठ गई थी रीदा, फिर रीदा भी स्टार्ट कर दी थी खाने के लिए, तो ये देखो रीदा और इनको मैं आवाज़, ये देखो आयान खा लिया, मैं खा लिया, अब इन दोनों की बारी है।